अगर यहाँ के लोगों के दिल जीतना चाहते हो तो यहाँ के लोगों के साथ इंसाफ करो, इस रियासत के साथ इंसाफ करो, जम्मू कश्मीर लद्दाख के साथ इंसाफ करो। यहाँ लोग जो हैं उन्होंने बहुत मुसीबतें उठाई हैं, बहुत मुसीबतें उठाई हैं, शख्सी राज में मुसीबत उठाई, उसके बाद मुसीबतें उठाई, मगर खड़े रहे। कौन था 96 में जब इलेक्शन हुए, कौन था, कहां थे ये फूल वाले, कहां थे ये दूसरे, अकेला चला था। मुझे अपनी जमात के लोगों ने कहा इलेक्शन मत लड़िए, मैंने कहा क्या लोगों को हमने बर्बाद करना है, आज हमारे तो सब कुछ पे लड़ा। लोग समझते थे कि 370 जो है वो सिर्फ कश्मीर के मुसलमानों के लिए है, मगर आज जम्मू के लोग भी ये समझने लगे हैं कि 370 उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज थी, 35 से उनके लिए सबसे बेहतरीन चीज थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा आज उनके बच्चे जो हैं उनको, बच्चों को नौकरियां नहीं है, बाहर से आ रहे हैं। आज आप देखिए आपके दफ्तरों में कौन है, डीसी बाहर का, एसपी बाहर का, आपके सेक्रेटरी सारे बाहर के। क्या हमारे लोग जम्मू कश्मीर के, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेकार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, इस काबिल नहीं हैं कि वो ये काम कर सके? मगर हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हमें गुलामी की तरफ ले जाया जा रहा है, मगर ये गुलामी नहीं रहेगी इंशाल्लाह। इस गुलामी का जनाजा एक दिन जरूर निकलेगा, जुल्म होगा, इनके पास उनके सिवा और कुछ नहीं है, ये जुल्म करेंगे, मगर अल्लाह इसके जुल्म को ऐसा बदला देगा कि ये सालिम जहन्नम के अंदर सड़ेंगे। जो आज भी मुसीबतें डाल रहे हैं आप पे, हर तरफ से आपको कई कई तरीके से इन्हीं चीजों में, केसों में फटाया जाता है, दूसरे चीजों में आपको रंगा जाता है, पुलिस थाने में बुलाया जाता है, आपसे कहा जाता है तुम इसमें जिम्मेदार हो, आपके बच्चों पर जुल्म किया जा रहा है। मैं इनसे कहना चाहता हूं बंद करो ये जुल्म, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसा जलजला आ जाए कि उस जलजले को तुम बर्दाश्त नहीं कर सको। हमने बड़ी गलती की, मैं जमात को कहना चाहता हूं बड़ी गलती की, जबकि पंचायत के इलेक्शन आए और हमने बायकॉट किया। याद रखिएगा आज से कोई भी इलेक्शन आए हमने बायकॉट नहीं करना है, बल्कि हमने उसको जीतना है, याद रखिएगा। मैं नहीं मानता, उमर साहब कहते हैं मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, इलेक्शन लड़ना है, लड़ना है, और मैं सदर हूं, सदर होकर आपसे कहता हूं, हमने रेजोल्यूशन पास किए हैं, इनका टाइम नहीं है आपके सामने पढ़ने का। 6 के 6 रेजोल्यूशन पास करने के लिए हाथ खड़ा कर दीजिए, मुबारक 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 मुबारक। जो हुकूमत आज तमाम कर्ज छुट्टी की मांग सो दो कुल्फ लगान, मगर ये मनसूबो बनान यार थी जाओ सो दे ऐसे बड़ी शानदार तरीके से दो मनाओ तो जाओ तुम शहीद गसन ऐसे जही मशीन थे जाओ यार। अच्छी तारीख ने दूर गई।